हेलो फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम इन उन्नति कंपटीशन क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा वन लाइनर जीके की। समय बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा, मतलब एग्ज़ाम पास में आने वाला है और सिलेबस अभी बहुत पेंडिंग पड़ा है। अब ये वक्त नहीं है कि आप किसी एक इंडिविजुअल बुक को उठा करके उसके एक एक चैप्टर को आप खत्म करें। सामान्य विज्ञान के अंतर्गत आप भौतिक विज्ञान के जो भी कंटेंट्स होते हैं वो सब पढ़ें, या रसायन विज्ञान के कंटेंट्स पढ़ें, जीव विज्ञान या फिर सामान्य विज्ञान के बारे में काफ़ी डीप नॉलेज किसी बुक से गेन करें और उसके बाद एग्ज़ाम देने जाएं। या फिर मैं आपसे बात करूं भूगोल की। भूगोल में आप डीप टॉपिक नहीं पढ़ सकते, जैसे सौरमंडल, पृथ्वी, ज्वारभाटा क्या होता है, पर्वत के बारे में, दीप, ज्वालामुखी, भूकंप, जलवायु, समुद्री विज्ञान क्या, या परिवहन, या मैं आपसे करूं भारत का मानव भूगोल क्या है, या फिर राज्य व्यवस्था के बारे में आप नहीं पढ़ सकते क्योंकि समय रियल में बहुत कम है। इसके लिए आपको एक काम करना है बच्चों, इस चैनल पे जितनी भी वन लाइनर मैंने जीके अपलोड करी है उसको आप ढंग से घोट डालो अपने दिमाग में। पहले समझो, फिर उसको बुनो। बुनने का मतलब ये है कि उस पर मंथन करो, उसको कई बार रिवाइज करो। ऐसा करने से क्या होगा कि आपके कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा एग्जाम में और आप मैक्सिमम क्वेश्चंस अपने एग्जाम में करके आएंगे। बच्चों, रुक्मणी पब्लिकेशंस प्लेटफॉर्म बुक के मैंने मैक्सिमम सीरीज इसमें अपलोड करी है, वो देखिए। और एमटीएस को लेकर के मैंने घटना चक्र से संबंधित एक वन लाइनर जीके का एक सेट बना करके आपको इस वीडियो में दे रखा है। इस चैनल में कम से कम 150 प्लस वीडियो अपलोड हो चुके हैं, आप उन सबका फायदा उठा सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, पहले चैनल को ढंग से आप देख लीजिए, उसके बाद डिसाइड करें सब्सक्राइब आपको लगता है कि करना चाहिए तो करिए, वरना मत करना। जो भी आपके राय हो कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिएगा। मैं एज सून एज पॉसिबल अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि आपके जितना भी काम पेंडिंग बचा हुआ है, जो भी बुक मैंने पेंडिंग छोड़ी है, उसको मैं जल्द से जल्द पूरा करवाऊँ। तबीयत थोड़ी नासाज है अभी भी मेरी, तो उसकी वजह से थोड़ा ये काम डिले चल रहा है, बट कोई बात नहीं, जैसा भी होगा अब हम करेंगे। देखिए, आज मैं आपके सामने जो क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ वो एग्जाम में कम से कम 20 से 25 बार पूछे गए हैं। मतलब कि एक क्वेश्चन को एग्जाम में एसएससी में कम से कम 20 से 25 बार पूछा गया है। जिन बच्चों को तैयारी करते हुए एक साल हो चुका है, डेढ़ साल हो चुका है, ईमानदारी के साथ, अंडरलाइन करिए, ईमानदारी के साथ की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आप ईमानदारी से स्टडी एक साल तक कंटिन्यू करते आ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका सिलेक्शन हो चुका होगा। तो आज जो आप क्वेश्चन देखने जाएंगे इस वीडियो में, तो आप डिसाइड करिए कि वो क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट हैं रियल में। अगर आपको लगता है कि हाँ सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चंस कभी मैंने एग्जाम में देखा नहीं था आज तक, तो मुझको बताइए, मैं आपको बताऊंगा कि हाँ ये क्वेश्चंस उस ईयर के उस सेट में आया हुआ था। तो मेरे पास एक बुक है एक्चुअली, उसमें प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस रखे गए हैं, तो मैंने भी कुछ रिसर्च करी है, उसके बाद में मैं ये वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ। और इस तरह के वीडियो जैसे घटना चक्र का मैंने कंटिन्यू सीरीज चलाई थी, उसमें भी सभी क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट थे, और रुक्मणी पब्लिकेशंस की जो बुक है उसमें भी वही क्वेश्चन रखे गए हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये चैनल आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसका लेवल यूपीएससी के अकॉर्डिंग इतना नहीं है जितना होना चाहिए, बट इसका मेन फोकस रहेगा एसएससी के स्टूडेंट के लिए। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप भी इस वीडियो को देख सकते हैं, देखने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था, हर बार आपसे कहता हूं कि कंपटीशन एक एग्जाम एक जंगल के समान है। शिकार अगर किसी खरगोश का करना हो तो हथियार कम से कम किसी शेर के, किसी टाइगर के लेके चलो, ना जाने कब किस शेर से मुलाकात हो जाए। तो तैयारी अपनी इतनी अच्छी रखो कि जो भी क्वेश्चन आएगा हम उसका अच्छे से आंसर देंगे। चलिए, बात बहुत अधिक हुई, अब हम करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। क्वेश्चन नंबर वन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, अब मैं ये डायलॉग ये लाइन बार बार रिपीट आपसे नहीं करूंगा, आप समझ जाना क्वेश्चंस को
नोट करना। लिखी नोट करने से पहले बच्चों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अपने साथ पेन पेपर लेके बैठिए और इन सभी क्वेश्चंस को नोट करिए और इस वीडियो को एक बार और प्ले करना, और उसके बाद तीसरी बार इस वीडियो को प्ले मत करना। तीसरी बार अपने नोट्स खुद रिवाइज करना रात को सोने से पहले। क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन में हमसे कहता है कि शिक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। एग्जाम में आपसे पूछता है कि शिक्षा कौन सी सूची के अंतर्गत आती है, तो आपको राइट आंसर क्या लगाना है? समवर्ती सूची। देखिए ये शिक्षा जो है ना, ये आपको नोट करना है। इसके आगे लिखिए नोट्स में समवर्ती सूची। नोट्स में आपको पूरी लाइन लिखने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया हाउस कहां पर है। इंडिया हाउस जो है वो है लंदन में, और इंडिया गेट कहां पर है, दिल्ली में। गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर है, मुंबई में। ये तीनों क्वेश्चन ही एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो प्लीज तीनों को नोट करिए ध्यान से और याद करिए। लाफिंग गैस मतलब हास्य गैस भी बोलते हैं उसको, और हंसने वाली गैस भी बोलते हैं। हंसने हास्य को इंग्लिश में बोलते हैं लाफिंग, ये सबको पता होगा। इसका रासायनिक नाम क्या है, एग्जाम में पूछता है कि रासायनिक नाम क्या है, तो इसका जो रासायनिक नाम है वो है नाइट्रस ऑक्साइड। इसका जो रासायनिक सूत्र है वो है N2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ, वो ईयर एग्जाम में पूछता है, तो आपको याद रखना है 1969 में। उस टाइम पे हमारी प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी। उनके टाइम पे ये सब काम हुआ था, जैसे इमरजेंसी इनके टाइम में कई बार लगी। तो यहाँ पे क्वेश्चंस केवल हमसे ये पूछेगा कि भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कौन से ईयर में हुआ। आपको चार ऑप्शन देगा, 1969, 1970, 71 एंड 72। तो आपको राइट आंसर लगाना है 1969। इसी के साथ आप एक बात और याद कर सकते हैं कि इससे 100 साल पहले मतलब 1869 में हमारे गांधी जी का जन्म हुआ था। तो गांधी जी के जन्म को लेकर के अब क्वेश्चंस नहीं पूछता है, बट एमडीएस के लेवल से क्वेश्चंस पूछ सकता है, आप चाहो तो लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखा दत्त है। रूसी क्रांति, रूसी क्रांति कब हुई थी। रूसी क्रांति 1917 में हुई थी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ये रूसी क्रांति के बारे में 10th क्लास में एक हिस्ट्री में चैप्टर था, बहुत बड़ा चैप्टर था वो आपने पढ़ा होगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में अध्यक्ष प्रमाणित करता है। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रेजेंट करता है, उसका अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है मोनाजाइट। मोनाजाइट थोरियम का अयस्क होता है। इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री रॉबर्ट वॉल पोल था। इंग्लैंड का फर्स्ट पीएम कौन था, रॉबर्ट वॉल पोल। अगला क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज का गठन 1942 ईस्वी में हुआ था। आजाद हिंद फौज का गठन 1942 ईस्वी में हुआ था। तो ये क्वेश्चंस भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है, लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। गरसोपा प्रपात सरावती नदी पर है। इसको हम लोग जोग प्रपात भी कहते हैं, एग्जाम में कहते हैं मैक्सिमम जोग प्रपात। आप याद रखिए जोग प्रपात कौन सी नदी पर है, सरावती नदी पर।
राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान गोवा में स्थित है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान गोवा में स्थित है। देखिए गोवा में कहते हैं गोवा के बीच काफी अच्छे होते हैं, तो मतलब समुद्र से संबंधित मैक्सिमम जो विज्ञान है वो कहाँ पर है, वो है गोवा में। भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फार्म कहाँ पर है, अम्बाला में स्थित है। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, मोस्ट एमपी उपराष्ट्रपति होता है। भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस कब मनाया जाता है, 15 जनवरी। रक्तचाप धमनियों में उच्च होता है। रक्तचाप किस में सबसे अधिक होता है, इसका राइट आंसर है धमनियों में। चक्रवात निम्न दाब के कारण से होता है। चक्रवात कैसे बनते हैं, निम्न दाब के रीजन के कारण चक्रवात जन्म लेते हैं। भारत में प्रथम रेल, पहली रेल किसके शासन काल में चलाई गई, लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में चलाई गई। देखिए अगला क्वेश्चन है, 1556 में, 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई, सेकेंड जो वॉर हुआ था पानीपत का, वो अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। सेकंड की बात कर रहा है 1556 में, और जो पहला हुआ था वो कब हुआ था, 1526 में। तो दोनों डेट आप याद रखिएगा। ये वॉर जो हुए थे टोटल 3 हुए थे, ये मैं अपने कई वीडियो में आपको बता चुका हूँ डिटेल में। अगला क्वेश्चन है, मानसरोवर झील कहाँ पर है, तिब्बत पर। मानसरोवर झील तिब्बत में स्थित है। विजयनगर तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। विजयनगर कौन सी नदी के तट पर स्थित है, तुंगभद्रा। बहमनी राज्यों की राजधानी कौन सी थी, गुलबर्गा, या गुलबर्ग भी देगा आपको ऑप्शन में, तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता आपको नहीं है। तो बहमनी राज्यों की राजधानी कौन सी थी, कैपिटल क्या थी इनकी, गुलबर्गा। तड़ित विद्युत विसर्जन के कारण उत्पन्न होता है, तड़ित जो होता है विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होता है। रेबीज, रेबीज बोलते हैं इसको, रेबीज नामक रोग विषाणु द्वारा होता है। रेबीज नामक रोग किसके द्वारा होता है, आपको ऑप्शन देगा, विषाणु या वायरस, दोनों का मतलब सेम होता है। मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है, आपको याद रखना है 120/80। शहद में मुख्यतः क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। कई बार एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि अनुच्छेद के किस भाग में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। विक्टोरिया प्रपात जैम्बेजी नदी पर स्थित है, इसको जम्बेजी भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। विक्टोरिया प्रपात कहाँ पर है, जम्बेजी नदी पर स्थित है। हीरे की चमक का कारण प्रकाश की संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। डायमंड जो चमकता है, जिसमें हर तरह के सामान रंग दिखाई देते हैं, रिफ्लेक्ट जो वो कलर करता है, वो किसके कारण करता है, आपको याद रखना है आंतरिक परावर्तन के कारण। आप बनाइए डायमंड की फिगर बनाइए, उसके ऊपर लिख दीजिए आप आंतरिक परावर्तन। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, इल्तुतमिश की। भारत में सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं कुषाणों ने जारी किए। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य रीजन क्या है, नाभिकीय संलयन, मोस्ट एमपी। सिख गुरु गुरु अंगद देव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। गुरु नानक की जीवनी किसने लिखी थी, गुरु अंगद देव ने। रोम शहर टाइबर नदी के किनारे स्थित है। रोम शहर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, एग्जाम में ये पूछेगा आपसे, आपको सही जवाब देना है टाइबर
नदी, टाइबर रिवर। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक 14 दिनों में लौटा दिए जाना चाहिए। राज्यसभा के द्वारा लोकसभा को धन विधेयक 14 डेज के अंतर्गत रिवर्स कर देना चाहिए। चोल राजाओं की राजधानी तंजोर थी, चोल राजाओं की राजधानी क्या थी? ये थी तंजोर। भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 ईस्वी में हुई थी। पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को गंग वंश के शासकों ने बनवाया था। पुरी में जो स्थित है कौन सा जगन्नाथ मंदिर किसने बनवाया था? तो आपको याद रखना है, गंग वंश के शासकों ने। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है। वहां पहुंचते ही हमारी गंगा नदी का नाम क्या होता है? चेंज हो जाता है। वहां पे गंगा नदी को गंगा के नाम से कोई नहीं जानता, वहां पे उसको बोलते हैं पद्मा। हैदराबाद तथा सिकंदराबाद जुड़वा शहर के नाम से जाने जाते हैं। जुड़वा शहर कौन कौन से हैं? एग्जाम में ये पूछेगा, आपको ऑप्शन देगा अलग अलग स्टेट, तो आपको राइट जो लगाना हैदराबाद और सिकंदराबाद। बाद क्या है? दोनों जुड़वा शहर का सरनेम है। इस तरह से आप इसको याद कर लीजिएगा, हैदराबाद और सिकंदराबाद। या फिर आप इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि हैदर अली और सिकंदर दोनों क्या थे? भाई भाई थे। दोनों क्या थे? जुड़वा भाई थे। तो आप इस तरह से जीके के कुछ क्वेश्चंस को कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। देखिए, महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? जय संहिता। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। इसमें ऋग्वेद में मंत्रों का उल्लेख करा गया है मैक्सिमम, तो ऋग्वेद क्या है? सबसे प्राचीन वेद है, याद रखना। राष्ट्रपति को अगर रिजाइन देना हो तो वो अपना रिजाइन लेटर, रेजिग्नेशन लेटर वो किसको देता है? वो देगा उपराष्ट्रपति को। हजामती दर्पण के रूप में, हजामती दर्पण जो होता है, जैसे कि आप लोग कभी सैलून में जाते हो अपनी कटिंग कराने के लिए बालों की, तो वहां पे जो ग्लास लगा होता है वो किस रूप में काम करता है? तो वो होता है अवतल दर्पण का प्रयोग करा जाता है उसमें। तानसेन का असली नाम क्या था? मोस्ट टाइम भी तानसेन के बारे में सब लोग जानते होंगे। इनका रियल नेम क्या था? राम तनु पांडे, खुजराव या खजुराव, दोनों में से एग्जाम में कुछ भी कह सकता है, खुजराहो बोले या खजुराहो बोले। तो पहली बात तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है उसमें। और ये मंदिर लगभग कितने वर्षों पुराना है? ये मंदिर कम से कम 1000 वर्ष पुराना है। हाथी गुम्फा आपको मैं लगाएगा और कभी नहीं लगाएगा, तो हाथी गुफा या हाथी गुम्फा उड़ीसा राज्य में है, जिसे खारवेल ने बनवाया था। और कलिंग का जो युद्ध हुआ था वो खारवेल और अशोक के बीच में हुआ था। अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था। कौन से साधु वहां पे आए थे, उनका नाम क्या था, ये सब डिटेल में आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। उस कहानी को मैं अगेन रिपीट नहीं करूंगा, ये वो कहानी काफी लंबी थी। आगे बात करते हैं, गोकक झरना बेलागावी में स्थित है। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या होता है? SO2 तथा NO2 है। गुड अर्थ मतलब अच्छी पृथ्वी पुस्तक के लेखक या राइटर कौन है? पर्ल एस बक। भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल पृथ्वी है। सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुसलमान शासक कौन था? जलालुद्दीन अकबर। आयात और निर्यात इसको बोलते हैं एक्जिम बैंक, मतलब EX से एक्सपोर्ट और IM से बना इंपोर्ट। बैंक की स्थापना कब हुई थी वो ईयर आपसे पूछ रहा है, वो साल आपसे पूछ रहा है, तो उसको याद रखिएगा 1982 में। ट्रांजिस्टर का आविष्कार
1948 में हुआ था। अकबर का राजस्व मंत्री टोडरमल था। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर होता है। लोहे का निष्कर्षण हेमेटाइट अयस्क से होता है। देश में सबसे बड़ा बंदरगाह मोस्ट एमपी कौन सा बंदरगाह है? नहावा सेवा, मतलब जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो मुंबई में है, ये देश का, हमारे देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। देखिए अगेन एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है जो अभी इस वीडियो में हमने कुछ समय पहले देखा था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को हुआ था। बैंकों का राष्ट्रीयकरण भारत में कब हुआ था? पहला क्वेश्चन से यही वो आपसे पूछेगा, ईयर कौन से साल में हुआ था, तो आपको याद रखना 1969 में। या दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा आपका यहाँ पे कि 19 जुलाई 1969 को कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? 14, 15, 16 या 17? आपको राइट आंसर देना है 14, 14। संविधान सभा का गठन, कैबिनेट मिशन 16 मई 1946 की सिफारिश पर हुआ था। संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर हुआ था? तो कैबिनेट मिशन आपको याद रखना है। भारत का पहला व्यक्ति, प्रथम नागरिक जो होता है वो कौन होता है? वैसे हम लोग मैक्सिमम बच्चे जो अपना आंसर लगा के आते हैं एग्जाम में, वो लगा के आते हैं प्रधानमंत्री, लेकिन बच्चों इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है राष्ट्रपति। आप लिखिए नोट्स में प्रेसिडेंट, फिर लिखिए फर्स्ट नागरिक। ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है। गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। गांधी जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पे। और इसी से संबंधित एक क्वेश्चन और कि गांधी जी की जो हत्या हुई थी, जो उनको गोली मारी थी, किसने मारी थी? उसका जो नाम था नाथूराम गोडसे। गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो आपको याद रखना है श्री गुप्त। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम टका है। सीने बार पारा का अयस्क है। करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था। दिल्ली 1912 में भारत की राजधानी बनी। 1911 में इसका अनाउंसमेंट हो गया था कि भारत की राजधानी कौन होगी? दिल्ली। और जॉर्ज पंचम फाइव ने ये बताया था, ये अनाउंसमेंट करा था जब वो दिल्ली आए थे। दिल्ली दरबार जो लगा था पहली बार वो 1911 में लगा था और उसी समय इसका अनाउंसमेंट हुआ था। मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण, मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण जंगलों का कटना है। जंगलों को काटने से काफी सारी हानि होती है। इससे संबंधित काफी सारे आंदोलन चले थे, जिसमें मुख्य जो आंदोलन था वो था चिपको आंदोलन। ये कहाँ से संबंधित हुआ था? कौन से स्टेट से? उत्तराखंड से। उसके बाद में ये पूरे विश्व में फैलना स्टार्ट हो गया ये आंदोलन, और बहुत बड़ा आंदोलन था ये। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। हेलवीड का भव्य मंदिर होयसालाओं द्वारा स्थापित किया गया था। चाय अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों में उगाई जाती है। कांच में से गुजरने पर प्रकाश के बैंगनी रंग की गति धीमी हो जाती है। सबसे धीमी गति किसकी होती है? बैंगनी रंग की। जापान की करेंसी येन है। चीन अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। बेसिन की संधि अंग्रेजों ने पेशवा के साथ हस्तांतरित की थी। फलों का उत्पादन हॉर्टिकल्चर कल्चर कहलाता है। हॉर्टिकल्चर का संबंध किससे है? फलों के उत्पादन से। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। मोस्ट एमपी क्वेश्चंस, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। काफी सारे नारे इन्होंने दिए थे। इससे संबंधित जो भी नारे थे वो सब आप याद करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहू।
असम राज्य का प्रमुख त्योहार है, भांगड़ा नागल बांध सतलुज नदी पर है। अर्जुन पुरस्कार 1961 में प्रारंभ किया गया था। अर्जुन पुरस्कार 1961 में स्टार्ट हुआ था, सबको मिला, सबको मतलब जो लोग इस पुरस्कार के लायक थे उन सबको ये पुरस्कार मिलने लगा। तो ये ईयर भी काफी इंपॉर्टेंट है, आप नोट करिएगा इसको। ध्यान चंद स्टेडियम लखनऊ में स्थित है। ध्यान चंद स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। भारत का सबसे लंबा सुरंग जवाहर सुरंग है। जवाहरलाल नेहरू हमारे कैसे थे? काफी लंबे थे। सभी प्रधानमंत्री जितने भी अब तक तो हुए हैं उनकी हाइट सबसे अधिक थी, तो आप लंबाई से लंबी सुरंग मान लीजिए। भारत का सबसे लंबा सुरंग कौन सा है? जवाहर सुरंग। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। नाटो का मुख्यालय, नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में। बटरफ्लाई जो ये शब्द है वो किससे संबंधित है? बटरफ्लाई एक्चुअली एक तैराकी, एक स्विमिंग की एक ट्रिक होती है, एक स्टेप होता है बटरफ्लाई जो करते हैं जो लोग, तो इसमें स्विमिंग सिखाई जाती है एक अलग मेथड से। एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होती है। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? आपको याद रखना है 746। मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। शेर शाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। रांगा, रांगा को बोलते हैं टाका, जो टाका लगाते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में, जैसे कि टीवी के पीछे काफी सारे टाके लगे होते हैं, तो वो टीन एवं शीशे की मिश्र धातु के द्वारा बना होता है। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला इंडियन कौन था? मिहिर सेन। ये कौन था? मिहिर सेन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता में स्थित है। गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी के नाम से जाना जाता है। एशिया की रोशनी के नाम से किसे जाना जाता है? गौतम बुद्ध को। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? चमड़े का थैला। बजट हमेशा जो उसके पेपर होते हैं, बजट के जो हमारे वित्त मंत्री प्रेजेंट करते हैं, वो उसको हमेशा जो लेके आते हैं, कैरी करके आते हैं, वो आते हैं चमड़े के थैले में लेकर के हमेशा। तो बजट का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? चमड़े का थैला। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात राज्य में स्थित है। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात राज्य में स्थित है। प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार मदर टेरेसा को दिया गया था। प्रथम जो ये पुरस्कार दिया गया था किसको दिया गया था? मदर टेरेसा को। रबड़ क्या है? रबड़ एक प्राकृतिक बहुलक है। GATT गैट, गैट का पूर्ण रूप क्या है? जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ। संयुक्त राष्ट्र संघ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। चकमा शरणार्थियों का संबंध बांग्लादेश से है। सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? काठमांडू नेपाल में। बच्चों आपको कुछ सिलेक्टेड हेडक्वार्टर भी आपको याद करने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में हेडक्वार्टर कई बार पूछ लेता है। आपके पास जो भी जीके की बुक हो, चाहे लुसेंट की बुक हो, आपके पास कोई भी बुक हो, वहां पे आपको हेडक्वार्टर बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। तो हेडक्वार्टर आप प्लीज जरूर याद करिएगा। इस चैनल में मैंने हेडक्वार्टर से संबंधित एक वीडियो बना रखा है, अगर आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। वहां से सिलेक्टेड हेडक्वार्टर अपने नोट्स में नोट कर सकते हैं और उसे याद करिएगा प्लीज। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग करा जाता है। जो हमारे कच्चे फल होते हैं जैसे केले या कोई अन्य कोई फल जो काफी कच्चे होते हैं, खेतों से हमेशा कच्चे फल लाए जाते हैं, बट उसमें एक गैस का स्प्रे करा जाता है, तो वो कौन सी गैस होती है जिसके थ्रू वो बहुत जल्दी पक जाते हैं? तो इसका सही जवाब है एसिटिलीन गैस। विद्युत चुंबक बनाने के लिए मृदु लोहे का प्रयोग करा जाता है।
टी शब्द का संबंध किससे है? टी शब्द का संबंध है गोल्फ खेल से। आप इसको याद करिए, टी चाय पत्ती जो होती है, टी जो होती है गोल्फ खेलने वालों को बहुत पसंद होती है। गोल्फ खेलने वाले मैक्सिमम खिलाड़ी चाय पीते हैं। बॉय स्काउट आंदोलन के संस्थापक बेडेन पावेल थे। ए सेकुलर एजेंडा पुस्तक के राइटर अरुण सोरी हैं। संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। संपूर्ण संविधान की बात कर रहे हैं, ठीक है? संपूर्ण संविधान जो अच्छे से जो संविधान तैयार हो गया था और उसके बाद वो इम्प्लीमेंट हुआ, लागू हुआ हमारे भारत में, वो आपसे ईयर पूछेगा और आपसे डेट और मंथ जरूर पूछेगा। काफी बेसिक क्वेश्चंस है, काफी बच्चों को आता भी होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। इस्पात संयंत्र की वात्य भट्टी में उत्पादित होने वाला लोहा ढलवा लोहा है। माइक्रोफोन का आविष्कार किसने करा था? माइक्रोफोन के आविष्कारक कौन थे? तो इसका सही जवाब है ग्राहम बेल। माइक्रोफोन का आविष्कारक ग्राहम बेल को माना जाता है। आविष्कारक के नाम भी कई बार एग्जाम में पूछता है, इसकी लिस्ट आप नेट पे सर्च कर लीजिएगा, आपको आराम से मिल जाएगी। सिलेक्टेड लिस्ट ही आप याद करना और एग्जाम में अगर पूछे तो उसका सही जवाब देके आना। रिवाइज करोगे तो आपको याद रहेगा, वन टाइम वीडियो वॉच करने से, नोट्स ना बनाने से। तो आपके एग्जाम की दृष्टि से ये सभी काम काफी हानिकारक हो सकते हैं अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तो। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। गुलाम वंश की स्थापना किसने करी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कई बार एग्जाम में पूछा गया है तो प्लीज इसको स्किप मत करना। पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कहाँ पर है? नीलगिरी में। नीलगिरी में पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन होता है, आपस में मिलते हैं। लावणी तथा तमाशा महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन अकबर के दरबारी थे। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर देखो कहाँ पर है बच्चों? न्यूयॉर्क में। मैक्सिमम जो हेडक्वार्टर है, इम्पोर्टेंट हेडक्वार्टर है, मैंने इस वीडियो में कवर कर रखे हैं। उसके अलावा भी आपको कुछ हेडक्वार्टर याद करने पड़ेंगे, जैसे आपका वर्ल्ड बैंक, IMF, WTO और इस तरह के कुछ सिलेक्टेड हेडक्वार्टर हैं, वो सब प्लीज आप याद करके जाइएगा एग्जाम में, और एक ना एक हेडक्वार्टर आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। गैट का जगह WTO ने 1 जनवरी 1955 से लिया, मतलब जो गैट था, गैट का नाम चेंज हुआ, नया नाम रखा गया WTO। इसको बोलते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस, विश्व व्यापार संगठन। 1 जनवरी 1955 से इसका नाम चेंज हो गया था। गैट की फुल फॉर्म क्या है, हमने अभी इस वीडियो में कुछ समय पहले देखी थी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रसिद्ध चीनी यात्री फयान, या इसको फायहान भी बोलते हैं, भारत की यात्रा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में की थी। जो कोई स्टूडेंट ने एग्जाम कभी दिया होगा लाइफ में, 2 से 3 किसी भी लेवल के एग्जाम दिए हो, तो कौन सा यात्री कब भारत में आया, किसके शासनकाल में आया, इस तरह के क्वेश्चन भी उनको एग्जाम में देखने को जरूर मिले होंगे। और इस तरह के क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, और जहां पे बात आती है चंद्रगुप्त द्वितीय की, उसके साथ आता है फयान। तो ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, नोट करिए। मनसबदारी प्रथा अकबर ने चलाई थी। एलोरा और एलिफेंटा में शैलकृत चैत्य राष्ट्रकूट काल की है। गुरु तेग बहादुर का वध किसने करा था? औरंगजेब ने। चीन में लाल क्रांति 1949 में हुई थी, और रूसी क्रांति कब हुई थी? 1917 में, अभी हमने इस वीडियो में देखा था। तो आप ना जो पिछला पढ़ते हैं उसके साथ प्लीज ये मत करिए कि पिछला हमने वीडियो देखा, क्वेश्चन देखा, आगे बढ़ते गए भूलते गए। ठीक है, भूलना थोड़ा सा वाजिब होता है, बट इस वीडियो को दोबारा प्ले करना, नोट्स के साथ टैली करना, तब इस वीडियो का बेनिफिट आपको मिलेगा। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा कब दिया था? 1942 में। कौन से आंदोलन के दौरान दिया था?
1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। चौल वंश, अगला क्वेश्चन है, चौल वंश नौ सैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी फैजाबाद थी। सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य जिम कॉर्बेट है। इराक की मुद्रा क्या है? दिनार। इराक की मुद्रा क्या है? दिनार। सबसे बड़ा अभयारण्य है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जो पड़ता है उत्तराखंड में। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष किस कलर का दिखाई देता है? काले रंग का, ब्लैक कलर का। अगर अंतरिक्ष में और कोई अंतरिक्ष यात्री जाता है, अगर वो आसमान की तरफ देखे तो पूरा अंतरिक्ष उसे कैसे दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। भारत की जलवायु किस प्रकार की है? उष्णकटिबंधीय है। बल्ब का तंतु कैसा होता है? टंगस्टन का बना होता है। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का। खून की कमी निम्न हीमोग्लोबिन के का कारण दर्शाती है। रक्त दाब को मापने के लिए किस डिवाइस का उपयोग करा जाता है? इसका सही जवाब है स्फिगमोमैनोमीटर, या फिर आप इसको बोल सकते हैं स्फिग्मो। यहां तक पढ़िए फिर बोलिए मैनोमीटर। कपास के लिए आदर्श काली मिट्टी होती है। कपास की खेती कहाँ पर होती है? काली मिट्टी पर। महाराष्ट्र में मैक्सिमम काली मिट्टी पाई जाती है। वी डी सावरकर ने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय संग्राम कहा था। कई बार एग्जाम में आपसे यही पूछेगा आपसे हमेशा कि 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता के प्रथम भारतीय संग्राम की संज्ञा किसने दी? तो वी डी सावरकर ने। भारतीय संविधान में सरकार का संसदीय स्वरूप ब्रिटेन से लिया गया था। पूना पैक्ट का लक्ष्य निचली जातियों का प्रतिनिधित्व देना था। और पूना पैक्ट किस किस के बीच में हुआ था? महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच में। इस तरह का क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार और सदस्यता का निर्णय प्रधानमंत्री करता है। टेस्ट क्रिकेट में प्रयोग होने वाली गेंद का वेट क्या होता है? जो गेंद जो बॉल यूज होती है उसका वजन क्या होता है? ये होता है 5.50 औंस। चीन में लाल क्रांति माओ त्से तुंग के नेतृत्व में हुआ था। चीन में जो लाल क्रांति हुई थी किसके नेतृत्व में हुई थी? उसका नाम माओ त्से तुंग। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे कम वर्षा वाला जगह अफ्रीका का सहारा क्षेत्र है। अफ्रीका का जो सहारा क्षेत्र है यहाँ पे सबसे कम वर्षा होती है। विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील। सिकंदर की जो मृत्यु हुई थी, डेथ हुई थी, कहाँ पर होती है? बेबीलोन में हुई थी। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, बेबीलोन में किसकी मृत्यु हुई थी? सिकंदर की। आप एक ड्रॉ करिए, एक मैप, एक जगह बनाइए, थोड़ा सा मैप बनाइए, उसमें लिखिए सिकंदर, फिर उसको सिकंदर में कट लगा देना, मतलब इसकी डेथ हो गई कहाँ पे हुई? बेबीलोन में। तो इस तरह से आप इसको याद करेंगे। विटामिन ए, विटामिन ए आंखों के लिए अच्छा होता है। गीत सेठी का संबंध बिलियर्ड से होता है। विटामिन बी 12 में कोबाल्ट होता है। कोबाल्ट मैक्सिमम किसमें होता है? विटामिन बी 12 में। डायनामाइट के मुख्य रूप से नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। राज्यसभा की एक तिहाई जगह को भरने के लिए प्रत्येक 2 वर्ष बाद चुनाव होता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। पीट स्प्रांस का संबंध टेनिस के खेल से है। ये एक व्यक्ति का नाम है, इनका संबंध किससे है? टेनिस के खेल से। ये टेनिस खेलते हैं, काफी प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। जो लोग टेनिस में जिनका इंटरेस्ट होता है, जिनकी रुचि होगी बच्चों की, उनको इनका नाम काफी अच्छे से पता होगा। जैसे क्रिकेट में हमारे सचिन तेंदुलकर हैं, MS धोनी हैं, तो टेनिस में जो बच्चे इंटरेस्ट रखते हैं वो इनके नाम को अच्छे से जानते होंगे। एग्जाम में ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है, तो इसको भी प्लीज याद करिएगा। आवेश की मात्रा का मात्रक एम्पियर सेकंड होता है। भारतीय सेना का नया आधार गीत क्या है? मेरा भारत महान, द मेकिंग ऑफ द महात्मा। फिल्म के निर्देशक कौन थे? श्याम बेनेगल। कई बार पूछा गया, श्याम बेनेगल ने
ये इसके डायरेक्टर थे। कौन सी मूवी थी? द मेकिंग ऑफ द महात्मा। फलीदार पौधों की जड़ में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। आयरन की कमी से शरीर में एनीमिया रोग होता है। एनीमिया रोग किसकी कमी से बॉडी में होता है? तो आपको याद रखना है, आयरन की कमी से। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किसकी अध्यक्षता में होती है? लोकसभा अध्यक्ष संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्ष होता है, या उसकी जो अध्यक्षता होती है वो लोकसभा अध्यक्ष के सामने होती है। ओपन स्काई पॉलिसी का अर्थ है विमान सेवाओं को अनुमति है। चमगादड़ एक स्तनधारी है। सात वाहन का संबंध आंध्र प्रदेश से है। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। कलहण क्रथ रजत रंगिनी कश्मीर का इतिहास है। रजत रंगिनी में या राजत रंगिनी में कश्मीर के इतिहास का वर्णन करा गया है। ये किसने लिखी है? कलहण ने। ग्वालियर का गांव बाघ गुफा चित्र के लिए प्रसिद्ध है। महाबलीपुरम के रॉक कट मंदिर को राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाया था। महाबलीपुरम के जो मंदिर है वो किस राजा ने बनवाए थे? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। कवि हरिसेन समुद्रगुप्त राजा के दरबार में था। होयसेल शैली का प्रसिद्ध मंदिर हेलेविड में है। नवरत्नों का संबंध अकबर से है। अकबर के कितने रत्न थे? 9 रत्न थे। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। ओजोन पारे तथा चांदी को प्रभावित करती है। अगर ओजोन लेयर बढ़ जाए या ओजोन की जो सीमा है वो बढ़ जाए तो उसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा? पारे पर तथा चांदी पर। उसका कलर परिवर्तित हो जाएगा। ध्वनि की इकाई डेसिबल है। अभी कुछ समय पहले हमने क्वेश्चन देखा था। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है। ऑक्सीजन नहीं होता है इस पर गौर करना आप। किसमें? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में। मूंगफली में विटामिन B1 सबसे अधिक होता है। कोबाल्ट विटामिन B12। अभी कुछ समय पहले हमने देखा था विटामिन B12 में क्या होता है? कोबाल्ट। काला पंगोड़ा कोणार्क में स्थित है। तिराना अल्बानिया देश की राजधानी है। भारत के मुख्य लड़ाकू टैंक का नाम क्या है? अर्जुन। गुगली शब्द का संबंध क्रिकेट से है। गुगली शब्द का जो संबंध है वो किससे है? क्रिकेट से। ग्रैंड स्लैम लॉन टेनिस से संबंधित है। ग्रैंड स्लैम किससे संबंधित है? लॉन टेनिस से। भारत का अंतिम चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान था। कुषाणों ने उत्तर पश्चिम भारत को जीतकर वहां 100 वर्ष तक राज्य किया। इंसुलिन की खोज बेंटिंक एवं बेस्ट ने किया था। इंसुलिन की खोज इन दोनों ने करी थी। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को सेलिब्रेट करा जाता है। तो बच्चों इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मैं इस वीडियो को यहीं पर विराम देना चाहूंगा। इस वीडियो में हमने कम से कम 70 से 80 क्वेश्चन आज सीखे, जो सभी क्वेश्चंस एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट थे। कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, 20 से 22 बार। इसमें एक भी क्वेश्चंस ऐसा नहीं था जिसको हम अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एलिमिनेट कर सकें, इस वीडियो से हम बाहर निकाल सकें कि यार ये क्वेश्चन तो एग्जाम में कभी पूछा नहीं जाता, ऐसा कोई सवाल बनता ही नहीं है। ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, इसलिए मैंने इस वीडियो में वही क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके एग्जाम में जिनकी पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है। तो इसलिए इस वीडियो को एक बार और प्ले करना, अपने नोट्स के साथ टैली करना, और प्लीज 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 एग्जाम में अगर ये क्वेश्चंस पूछे जाए तो विद कॉन्फिडेंस के साथ आप सही जवाब दे के आना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।
मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सबका अनेक अनेक धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलना, और अगर आपने अब तक इसे सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप डिसाइड करें कि आपको सब्सक्राइब करना है या फिर नहीं। तो बच्चों, इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ में। और MTS से संबंधित अगर आपका कोई एग्ज़ाम है, आने वाला एग्ज़ाम आपका MTS का है, तो MTS की प्लेलिस्ट में जाना प्लीज़ मत भूलना। वहाँ पे MTS से संबंधित काफ़ी सारे मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, उनको सॉल्व करके देखिएगा। और अगर आपको GS में और क्वेश्चन चाहिए वन लाइनर के, तो प्लेटफॉर्म रुक्मिणी पब्लिकेशंस के काफ़ी सारे वीडियो इस चैनल में ऑलरेडी हैं, आप उनको देखिएगा। आपको इस तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो सभी क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। चलिए दोस्तों, लेता हूँ आपसे अलविदा। इस वीडियो को देखने के लिए अगेन बहुत बहुत धन्यवाद।